अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान थे इमरान खान, तो दूसरा चैनल है पसे पर्दा सच ऑफिशियल, बिहाइंड दी वाल भी है। दो दो चैनल चलते हैं हमारे, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। अब इसको कहें 6-1, इसको कहें एक गमिश्ते डोच लफजा, मिला जुला जो सतरंगी चाट, लेकिन है ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपने ये देखा होगा, एक मजाया क्लिप से जो आजकल ये टिकटॉकर आए हुए हैं, मैं इनके खिलाफ हूँ, लेकिन अब आ गए तो फिर मजाक के साथ साथ ही होता है। ये देखो, बरतानवी बीवी बच्चे छोड़ के पाकिस्तान रहने वाला पठान यहूदी एजेंट है, ते इकलौती बेटी पाकिस्तान दे विच गिरवी रख के लंदन रहने वाला सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है। इसमें दो बातें हैं, एक तो चलो आपने किया, अब ये टिकटॉकरों के हाथ आ गया, पढ़े लिखे आ कोई नगूटा छाप आ गए, जो पढ़े लिखे वो भी जाहिल है। और नवाज शरीफ के इकलौती बेटी नहीं, दो बेटियां हैं, आसमा वो किधर गई है, अली डार के साथ जो ब्याही भी है, उससे उसका पहला निकाह हुआ था शहजादा मकरन से, नहीं उनकी बन सकी। हम कुफ जो हो तो फिर शादियां चलती, जब ना हो तो फिर इसी तरह ही होता, या फिर 1500 रुपये पे गिराजन माई ने कोई काम पा देता थोड़ी देर का। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बात किधर से किधर चली गई। एक तो आपने ये भी मैंने तस्दीक करनी थी, अकलौती बेटी नहीं होती, मैं देख रहा था उसके 165 ही अभी हैं व्यूवर्स हैं, तो वो उसी कैटेगरी के ही होंगे। अगर आपने टिकटॉकर बनाया, कम अज़ कम राह चलते तो ना किया करो, पढ़ तो लिया करो, नहीं जा किसी से पूछ लिया करो। मेरे जैसे कितने बेले मजिया तोड़ते, उन्होंने पढ़े चाचा जी है दसना बच्चे किन्ने ने वगैरह वगैरह। नए आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे फॉरवर्ड भी करें। कल जो है एक यहाँ पे बेंडत क्वीन, हमारी बेंडत क्वीन वो जो थी ना, एक इंडिया में तो पुल्लन देवी थी, तो पुल्लन देवी कन्वर्ट होकर आ गई शुकूर सिंधु, मुझे याद आ जाता अपना बेली, वो रात के 2 बजे सांडे का तेल लेने गया था, फ्रांस जाके रुका, उससे पहले नहीं रुका, वो वहाँ कहाँ से आ गया, वो चौधरी साहब सांडा इतने नहीं जाता, फ्रांस कितने तुम तेल लेना है। ये भी हंसी मजाक है। आज हफ्ता है छुट्टी के दिन, ये भी मैंने, ये जर्मन का कलर है, ऑफिशियल सपोर्ट कलर, वरना हर के गेम की यूनिफॉर्म अलहदा थी, लेकिन जर्मन का ऑफिशियल सपोर्ट कलर ये। अच्छा जी, ये भी बात हो गई, इन्होंने पक्का अरेंजमेंट किया हुआ था गिरफ्तार करने का, फुल्लन देवी को खुश करने का, 7-5-6 बंदे और भी भेजे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह वगैरह करने थे। कर्नल का आया था ट्वीट आया था, वो ये अगर इमरान खान को पकड़ा तो उधर जाती उम्र में भी एक मफरूदा था, तू सिर्फ गल्ला ही करने जोगा है कर्नल डोगर, तेरे सोहरिया ने भी मैं जानना, मेरे ना ज़्यादा मियाँ जुवेद लतीफ जानता है, ये खान का डोगरा चूड़ काने के इर्द गिर्द जो है। अच्छा जी, ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई इसकी, एक और कर्नल डोगर की ब्रेकिंग न्यूज़ में वलादा दूंगा, तो मैं यहाँ लिख लूँ किसी खाते के ऊपर, मैं भूलना चाहूँ तो भूल जाता है। खान थे डोगर, वो अगली जब किस्त आएगी ना उसमें पूरे इंतजाम कर लिए गए इमरान खान को गिरफ्तार करने के, लेकिन जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा ना वो आज़ाद है, जब अल्लाह ताला के होएगी मर्जी तो पकड़ा जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि घोड़ा बांध के फिर मुझ पे तवक्कल कर, ऊँट अगर तू ट्रक रहा है ना। अच्छा जी, बड़ा ऑपरेशन हुआ, टेलीफोन व्हाट्सएप ये वो यूज़ ही नहीं किया, पावर जो मिल गई वो आ गया एक डाकू, मोहतरम आर्मी चीफ साहब कमर जमेद बाजवा साहब और मोहतरम सीजे बंदियाल साहब ने उसको NRO दे दिया, डार आ गया, किसी ने नहीं पूछा, इन दोनों बेशर्मो बेहयाव ने बड़ी गाली नहीं देनी, चैनल बंद ही ना है कि यार तेरी मेडिकल रिपोर्ट है किधर है, तू मुझे दे मैं CMH भेजूँ, या वो बंदियाल साहब कहते तू मुझे दे मैं अपनी निगरानी में इसको करवाऊँ। वो एक सर्टिफिकेट लेके आता है, ये बीमार है गाली, बस ये तो
छोटा करता तो नाल वड्डा भी आ जाता, जो वड्डा करता तो छोटा भी आ जाता, ये गडायस भी तो निकाल। तारड़ की ड्यूटी लगाई हुई थी, तारड़ की, ये 30 तारीख का इशू हुआ नोटिस जो इमरान खान को गिरफ्तार करने का, वो जो एक बगैरा सा जो इशारे ऐसे ऐसे कर रहा था पंजाब असम्बली में, किसी ने एक्शन नहीं लिया। परवेज लाई तो है ही बगैरता था, आई जी डबल आई जी है, इससे घटिया शेख रशीद से ज्यादा अगर इमरान खान को ने दो बंदे खड़े किए हुए होना तो मैं कहूँगा शेख रशीद रख ला एनू लितर मार के कट दे। ये बस काबू आया हुआ तो छिपकली मुंह में है, ना खान बाहर फेंक सकता ना कुछ। उसका पुत्र थोड़ा थोड़ा अभी तक बज़ाहिर हलाल का नजर आया है, लग रहा है, अभी मुझे पता नहीं है, मैं आज इतना नहीं, लेकिन मैं मिला हुआ हूँ, टीचर टाट अपने दफ्तर में बुलबुलें रखी हुई, ऐसे ही घुसो तो फिर क्या कहने। हमाद अजहर और इसका दफ्तर दीवार के साथ दीवार है, ये गार्डन टाउन उतरे तो फिर ही है, पुल से नीचे उतर, वो फिर बताऊंगा मैं क्या करने गया था। अच्छा जी, बिलाल वैंस साहब ने मुझे भेजा था, हमारे मोहतरम चौधरी जो है ना नज़ीर अहमद साहब वैंस, वो उनका मैं मुलाजम था, मुंशी था उनका, तो उनका बेटे के सिलसिले में फिर वहाँ मैं गया था इसके घर के, यही मुनस के दफ्तर में, बीच में फिर थोड़ा बहुत रंगबाजी तो डालते हैं। तारड़ गया डीसी के पास कि सर जी हमने हर सूरत में गिरफ्तार करना, ये राणा साहब का आर्डर, ये मैं कह रहा हूँ राणा साहब का आर्डर, ये फलां फलां, तो आप रेंजर बुलाएं, तो वो जो हमारे साथ वो जाएगी उधर, मैं भी बात साथ साथ जाऊँगा, हमने गिरफ्तार करके वीडियो भी बनानी है, मैंने बनानी, ये भी मैंने अपनी तरफ से डाला, लेकिन उसकी इस तरह की वो चीज रख दें। उन्होंने कहा कि आप सब्र करें, ये होगा, कोई रिटर्न लाए आप, कोई आप रिटर्न, उनका रिटर्न नहीं लाया, ये मैं आज हो गया हूँ, खुद आ गया हूँ, हमने एक बंदा गिरफ्तार करना है, मतलूब है, हाई मतलूब है, हाई ट्रेजरी है उसका, उसके पाकिस्तान को डर है एटमी साजात को, उसको गिरफ्तार करना है, तो ये वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा जब इंदिरा टेक लाए, अब वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था कि यूज़ नहीं कोई करना, कोई ये टेलीफोन वगैरह यूज़ नहीं करना। अब उससे रब्ता किस तरह करें, बेंडत क्वीन से, पुल्लन देवी से, पंजाब की पुल्लन देवी जो है, फिर खैर उसने फ़ोन करके नाना से पूछा जो करे रिटर्न लाएं, तो उसके खोकर साहब के पास जाओ, वो जो इंटीरियर सेक्रेटरी है, वो इंटीरियर सेक्रेटरी को मुझे तो ऐसे अभी हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे, वो फिर वहाँ से डीसी ऑफिस से इधर गया, इन द मेंटम उनकी गिटमिट हो गई थी, कोई ऐसे तो हालात नज़र नहीं आ रहे, अब जाए उधर वहाँ पे कोई आएगा दोबारा कर लेना, उसने कहाँ जाना है, इधर ही आना है ना उसने, या फिर आया उसने बताया खोकर साहब ने ना कर दी थी, इधर जो डाले हुए होंगे कि जिस काम के सिलसिले में खोकर साहब के पास गया था उन्होंने ना कर दी है, तारण ने कहा, जो हमारे नसीम खोकर साहब बड़ा तड़ल वाला बाईवें ग्रेड का है जी, खान के साथ भी था उनके, जेड़ा जीते होते नाल ब्यूरोक्रेसी होती, फिर इन द मीनटाइम डीसी साहब ने पूछ लिया था कहीं और से, जिनके कहने पे प्रिजनर वैने आई थी एक्स वाई जेड, यार फिर मैं अमीन साहब थे शकूर साहब, तुझी कहोगे यार नाम नहीं लिया, एक्स वाई जेड को पूछ लिया, तुझी कहोगे एक्स वाई जेड, और यार ब्रिगेडियर उसने एन को पूछ लिया, हम तो ठीक जे ना आराम जे, चलो ठीक, उन्हें कहने जी ये किस तरह हो सकता, कुछ वो ये पिछे है नहीं हो सकता है, कोई ना कोई दंगा फसाद ना कुछ, अगे साढ़े सेंटीमेंट बड़ा खिलाफ, ये डायलॉग मैंने अपने पास से लगाए हैं, कुछ खुद भी अकल दे अकल इस्तेमाल कर लिया करो कि कौन से डायलॉग मेरे हैं तो कौन से वहाँ आए होंगे। उन्होंने मारी गाव शरीफ के ऊपर किक, तो नीवा नीवा कर दिया चला गया, 145 तक फौज पर भी बुलाए थे, फौज तो उस वक्त जब अंगांग में हो चुके हों, फिर आती है फौज, वैसे नहीं आती, वो कहती जब होंगे तो फिर बताना, असि पहले चले जाइए, रेंजर आती है पहले, रेंजर तो एवं हाकी मैच भी ले आते हैं तो सलाब भी ले आते, तब ये इतनी सारी बीच में थी जिसकी वजह से इमरान खान का जब उन्होंने देखा कि पुलिस ने घेरा घुरा भी डाल लिया था, फिर मायूस लौटे और आज इमरान खान की जमानत हो गई।
इसका मतलब ये नहीं है कि बाजवा साहब के इमरान खान की सुलह होगी, कोई सुलह नहीं। इट कुत्ते दा वैर, इट कुत्ते दा वैर, ये पंजाबी में कहते हैं। बुखारी साहब आपको कह रहा हूँ, जिससे कुत्ता ईंट से डर के भागता ना, किस तरह ये भागते हैं एक दूसरे से। ये कोई इनकी सुलह नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई, मिडल मैन के जरिए हुई थी, वो बीच में था, वो आरफ अलवी साहब आ गए, ना 3 इंच ना 13 इंच, कौन सी शर्त मान ली उसने। और बल्कि उसने अपने खान को नीचा दिखाया, जो प्रोलॉन्ग करता रहा। जो नए आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे फॉरवर्ड भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।